देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हाजी साहब, एक्सीडेंट के मामले आए दिन लब्बैक होटल और सवन गांव फाटा, यहाँ पर हर महीने नहीं, हर हफ्ते, हर दिन इस तरीके की वारदात होते रहती। क्या करना चाहिए इस तरीके की वारदात को रोकने के लिए? और अभी जो हादसा हुआ वो किसके साथ हुआ? अस्सलाम वालेकुम। रात में तकरीबन मैं समझता हूँ 11-12 के दरमियान भी एक्सीडेंट हुआ लब्बैक होटल के पास। एक नौजवान लड़का जिसकी शादी भी नहीं हुई, शेख गनी इस्लामिया कॉलोनी का रहने वाला लड़का है, एक गाड़ी ने उसको बेतासा मारी तो गाड़ी वाला कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे ना डिवाइडर है लेकिन डिवाइडर बहुत बारीक हो चुका है जिसकी वजह से गाड़ी वालों को दिखता भी नहीं है, और जब गाड़ियों का जो फोकस पड़ता है उसकी वजह से टू व्हीलर वालों को भी दिखता नहीं है। तो गाड़ी वाले ने बेतासा मारा जिसकी बच्चे की बहुत हालत खराब थी। रात में मुझे फोन आया तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लेके आया गया बच्चे को, लेकिन सिविल हॉस्पिटल वालों ने भी लापरवाही की। ऐसा मालूम पड़ा है कि सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को किसी ने परवाही नहीं, यानी लापरवाही की, और कुछ स्टाफ के लोग भी शराब वगैरह पिए हुए थे जिसकी वजह से वो बच्चे की लापरवाही होने की वजह से आज उसकी डेड हो गई। रात में जब मेरे को फोन आया तो उसको सारा हॉस्पिटल भेजा गया, और सारा हॉस्पिटल में मैंने बात किया, मेरे बच्चा तारिक को भी भेजा मैं वहाँ पे, और वार्ड के लोग भी गए। वो सारा हॉस्पिटल तो जितना जमा उन्होंने तो किए, लेकिन उसके बाद उसको रिफर किया गया धुलिया। धुलिया में रिफर करने के बाद रात भर उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसकी डेड हो चुकी है। आज अभी यहाँ पे मालेगांव सिविल में लेके आया गया है और अभी पंचनामा हो रहे हैं। कुछ देर में इंशाल्लाह अभी पीएम होने पर उसकी बॉडी मिल जाएगी। लेकिन हमारा बार बार यही बोलना है, जो सोनगांव फाटे के ऊपर और लब्बैक होटल के ऊपर जो हादसा हो रहे, इसके ऊपर ना गवर्नमेंट सुनती है, ना यहाँ के कमिश्नर सुनते हैं, ना यहाँ के आमदार सुनते हैं, ना यहाँ के खासदार सुनते हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि देखो, आज कहीं जाने चले गई, अब पूरा शहर खत्म होगा, उसके बाद ब्रिज बनाएंगे क्या, कब बनाएंगे? तो हमारी गुजारिश है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी और मालेगांव कॉरपोरेशन के कमिश्नर से भी कि वहाँ पे कुछ एक पर्यायी ऐसा कुछ बना दीजिए जिससे हादसा रुक जाए और लोगों की जान भी रुक जाए। मेरी आप लोगों से इतनी अपील है, और अल्लाह ताला मरने वालों को जन्नत नसीब फरमाए, कब्रों का अजाब से बचाए, जहन्नुम की आग से बचाए। मैं तमाम लोगों, जितने लोग ने मेहनत की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ने बहुत मेहनत की। अल्लाह की मर्जी है कि बच्चे की जितनी जिंदगी थी वो जी के चला गया। हमारा सिर्फ काम इतना है कि उसके लिए मुस्तरद के लिए दुआ करें। इमरान भाई, सिविल हॉस्पिटल के बारे में भाई साहब ने जो बोले, क्या ऐसा लगता है कि अगर एक्सीडेंट या ऐसी कुछ वारदात हो जाए तो सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट को लाना यानी कि मौत के मुंह में डालने के बराबर, जान से खिलवाड़ करने के बराबर है? क्योंकि यहाँ पे नुमाइंदगी कमजोर है। सिविल हॉस्पिटल का मालेगांव महानगर पालिका का कोई संबंध नहीं होता है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर ये हॉस्पिटल चलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नुमाइंदे का काम है यहाँ पे आके देखना चाहिए, शहरियान की जो तकलीफ है उसके बारे में देखना चाहिए। माजी में भी नुमाइंदगी हुई यहाँ पे, माजी में इस तरीके के वाकयात नहीं होते थे, लेकिन ये 5-6 सालों से मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा सिविल हॉस्पिटल के लोग कर रहे हैं। और यहाँ के जो डीन है डॉक्टर चौहान, इनकी भी मुझे लगता नहीं है कोई ग्रिप वगैरह है। स्टाफ शराब के नशे में ध्यान नहीं दे, रात में तो यहाँ लाना बेवकूफी है, जान से खिलवाड़ करने के बराबर। ये उसकी एक मिसाल है ना, ये बच्चे को भी रात में ही लाया गया था। अगर उसको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिलती और अगर उसका अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होता या थोड़ा सा उसको सेटल कर दिया जाता, तो सेटल करने के बाद उसका ब्लड एटलीस्ट रोक दिया जाता तो ब्लीडिंग नहीं होती। और ब्लीडिंग इसकी एक्चुअल मरने की वजह देखो, अल्लाह की मर्जी, उसकी जिंदगी थी। बहरहाल इसकी मेडिकली लाइन से अगर देखेंगे तो मरने की वजह सिर्फ यही है कि उसका ब्लड बेपना निकल गया। अगर उसकी सही तरीके से ड्रेसिंग हो के उसको थोड़ा स्टेबल करके धुलिया रेफर करते तो शायद उसकी जान बच सकती है।